शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से आपकी बेटी अब है। अपनी सिया के लिए बढ़िया गोल रोटी बना कर रहूंगा। आज ये बाप हार नहीं मान सकता। गोल रोटी नहीं बना पाया तो हमारी क्या राह? कीर्ति, अबे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर यहाँ तो दाव पे दोनों की बेटियां लगी। मुझे इस पे पूरा भरोसा है, तुम देखना। नालायक बेटा, अब नालायक बाप भी बन गया। अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? क्या भाई ये कर पाएंगे? सिर्फ 5 मिनट रह गए। मुझे अभय की मदद करनी होगी। बहुत चक्कर आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, सांस भी नहीं लिया जा रहा। कीर्ति, सांस भी नहीं लिया जा रहा। अरे कोई पानी लेके आओ। क्या हो रहा है? कीर्ति, सब्र रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब है ना तुम्हारे साथ। बहुत घबराहट हो रही है, छुप हो जाएगा। अरे रे, अपने दिल को संभालो पतिव्रता पत्नी जी। अपने पति के लिए कितनी बार खाना बनाया, तो क्या अब ये जरा सी गोल रोटी भी नहीं सेक सकता? तुम्हारे बच्चे वहां भूखे प्यासे रो रहे हैं और तुम यहां चली आई खेल का सबसे जरूरी नियम तोड़ने। मना किया था ना हमने कि कोनो मदद नहीं करनी है? वो नहीं नहीं नहीं, वो तो कीर्ति को अचानक से चक्कर आ गया था तो मैं उसी के लिए पानी लेने के लिए आई थी। हम का कल पैदा हुए हैं और तू ठीक से अभी तक गोल रोटी भी नहीं बना पाया। चलो 3 मिनट हैं तुम्हारे पास, तब तक हम जरा हमारी बंदूक तैयार रखते हैं। चलो चलो। अरे वाह, बड़ा ही अच्छा भारत का नक्शा बनाया आपने इस आटे से। आटे से ना मैं तुम्हारे चेहरे का भी नक्शा बना सकता। अरे अबे, ये क्या किया आपने? अबे मुझ पर आटा क्यों लगाया? नहीं अच्छा, नहीं बालों पे मेरे बाल खराब हो जाएं प्लीज। तो फिर आपने मुझ पर आटा क्यों गिराया? हाँ
गलती से लगे था, गलती से लगा। अच्छा अब तो मैं भी लगाऊं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। क्या किया आपने अबे? हर जगह आटा फैला दिया। भगवान, अच्छी लग रही हो तुम। पूरे किचन में आटा फैला दिया आपने। करने की क्या कोशिश कर रहे थे आप? वो मैं तुम्हारी तरह ना गोल गोल रोटी बनाने की कोशिश कर रहा था, पर ये देखो ना आड़ी टेढ़ी बन रही है। हे भगवान, तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते ना, कितना आसान तरीका है गोल रोटी बनाने का। तुम सिखाओगी मुझे? सिखा दो ना। आपने मुझ पर आटा गिराया ना, अब मैं नहीं सिखाने वाली आपको। प्लीज 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 सिखाओ ना। एक मिनट रह गया, मुझे सिया के लिए जल्दी रोटी बनानी होगी। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे रोटी बनानी होगी। रोते रोते खाकर हमारी बच्चियां सो गई। इतनी छोटी बच्ची बिना कुछ खाए पिए सोई सिर्फ तुम्हारी वजह से, किसी और से नहीं। कम से कम अपनी माँ भवानी से तो डरो। ए, ज्यादा ज्ञान की कथा मत सुनाओ हमें। आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं। अब वो भूखे सोए उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे कुपुत्र अभय की गलती है। चलो तुम त्रिपाठियों के साथ तुम्हारी घंटा घर पे भी एक नजर मार लें। वैसे भी जो 6.5 मिनट में गोल रोटी ना बना पाया तो तुम सबको उल्लू ही बनाएगा। बस 15 सेकंड बाकी, अब हमें जल्दी से रोटी ले आए वरना ये औरत पता नहीं हमारी सिया का क्या करेगी। भगवान, अरे ओ भुरैया, जरा सबके सब 10 से 1 की गिनती शुरू करो। 10, 9, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2 और सब खेल खत्म। हम करेंगे सबको हजम। गए हो भैया तुम, अब हार के का जीतोगे? गोल रोटी तो बनी नहीं होगी। बता दी गोल रोटी कैसे? ये इतनी गोल रोटी कैसे बना दी अभय ने? हम भाभी हमने तो नहीं सिखाया, पता कहाँ से सीख लिया उसने। एक बार ही सिखाऊंगी और अगर आप भूले ना तो दोबारा फिर से नहीं सिखाने वाली मैं। अरे तो ऐसे सिखाओ ना कि मैं कभी भूलू ही ना।
वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ही सीख रहा हूँ। अच्छा, अरे ये तरीका कितना आसान है, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी का दिमाग इतना तेज है ना। ए, बता दो किसने की है बेईमानी इसमें, वरना सबका भेजा उड़ा दूंगी। बताओ, हम सब तुम्हारी आंखों के सामने ही तो है गुलाबो। अभय ने अपनी मेहनत से अपनी बच्चियों के लिए कर दिखाया है। अब तो तुम्हें इस बात को मानना ही होगा ना कि तुम्हारी इस खेल में हम जीत गए और तुम हार गई। तुमने कहा था ना कि जब तुम्हें गोल रोटियां मिल जाएंगी तो तुम हमें हमारी बच्चों को दूध पिलाने दोगी। कम से कम अपनी बात का तो मान रख लो। हाँ देखो, आपने बोला था गोल रोटी मिल गई ना आपको, अब हम सबको जाने दो। हाँ चलो 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 सब। हाँ, चुपचाप यही खड़े रहो तुम लोग। इस त्रिपाठी कुछ ज्यादा ही चौधरी बन रहे हैं। तुम में से तीन लोग यहीं रहेंगे। एक की भूल और तीन गोली तीनों के सर। तीनों को दूसरे कमरे में जाके बंद कर, नजर नहीं हटनी चाहिए इनसे। बाकियों की जरा सी चूक और सीधी बंदूक इनके माथे पे। ए, चल किजे। मम्मी। देखो तुम ना अपने ही खेल में हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही हो। हमारा खेल हमारा कानून हमारी मर्जी, चुपचाप उतना करो जितना बोल रहे हैं, वरना बंद तो कमरे में तीन की जगह चार भी हो सकते हैं। 15 मिनट है सबके पास, खिला पिला दो अपनी बच्चियों को। ठीक 15वें मिनट में यहाँ पर नहीं दिखे तो फिर तुम्हारे परिवार के तीन लोग जिंदगी भर नहीं दिखेंगे। होशियारी दिखा रहे हमारे सामने, अभी करेंगे इस सब का खेल खत्म। किसी और के खेल में हम फंस गए, क्या पता वो अब हमें जाने देगी भी या नहीं। कीर्ति, कभी कभी अपने अलावा अपने परिवार के बारे में भी सोच लिया करो। आप तो रहने दीजिए बुआ जी, अगर वो आपको बांधती ना और मारने की धमकी देती तो आपको समझ में आता, चली जाती ना आप हमारी जगह। कीर्ति बेटा, सोच के तो बोला करिए, हम सब साथ में हैं इसमें। कीर्ति, हमने गुलाबों को उसके पहले खेल में हरा दिया है और इस हार के बाद वो अपने दूसरे खेल में जरूर कुछ बड़ा या खतरनाक करने वाली है, और ऐसे में हमारा साथ सबसे ज्यादा जरूरी है।
इस वक्त हमारा साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है, और वो इस हिम्मत को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। हड्डियां तोड़ने में इतना दर्द नहीं होता जितना रिश्ते तोड़ने में होता है। हमारे नए खेल में ये बंधन को ही जला देते हैं। मैडम जी, ये सब करके हमारी को क्या मिलेगा? हमारा बदला पूरा होगा भुरैया, और फिर हम उड़ा ले जाएंगे फुर हमारी सोने की चिड़िया सिया को। हमारी सिया चाहिए उसे, लेकिन उससे पहले वो हम सबसे बदला लेगी, और ऐसे में हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। श्रद्धा, मजाल है किसी की जो हमें तोड़ सके? अभय, वरुण, अगले खेल में मौका देकर तुम दोनों बीच में थाने पहुंच जाना पुलिस से मदद मांगने के लिए। गुलाबो को ठिकाने तो अब हम लगाएंगे। नहीं बुआ जी, आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी जरूरत बाहर है। अबे, मुझे भी लगता है कि बुआ जी ठीक कह रही, मैं कुछ ना कुछ करके पुलिस तक तो पहुंच नहीं होगा। मैं मदद लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस गुलाबो से लड़ने के लिए मना कर रहा हूँ। अबे, आप करने के वाले हैं? उसका खेल खेलते रहेंगे ताकि उसे लगे कि वो जीत रही है, पर ऐसा भी ना लगे कि हम उसको बेवकूफ बना रहे हैं। उसका सारा ध्यान हम पर रहेगा तो वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएगी, फिर मौका मिलते ही भाई और मैं बच्चों को उठा के भाग जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, इस वक्त बच्चों को सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हो गया 15 मिनट, अभी अभी हमें बताना होगा। थोड़ा सा टाइम मिल गया था। बोले थे ना कि 15 मिनट से 1 सेकेंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए। चलो निकलो सभी। और हाँ, बच्चे रख कर जाना सभी लोग। चलो निकलो। बच्चियों को खिला पिला के सुला दिया हो तो हम अपना अगला खेल शुरू करें। तुम्हारी ये नौटंकी कब तक चलेगी? ये तो गजब ही है, हमारे सामने मौत के दरवाजे पे खड़ा हमारे खेल को नौटंकी बोलने की हिम्मत कर दिया। पहले बता, तेरी टांग तोड़े या तेरी अकड़? ए भुरैया, जरा सासू माँ को तो बीच में लाके खड़ा कर दे। ए भूरा, जरा एक डंडा तो पकड़ाना बहुरानी के हाथों में। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? उका है ना कि हमने सास को बहू की पिटाई करते हुए सुना है, पर आज हमने सोचा हम कुछ उल्टा कर देते हैं। अभी श्रद्धा रानी पे है कि वो सास की पिटाई करती है या उसको बचाती है। ये जो मटका तुम देख रही हो ना, ये होगा तुम्हारे सासू माँ के सर पे, और तुम्हारों को ये डंडे से उसको एक ही झटके में तोड़ देना है।
ये खेल तो श्रद्धा बहुत आसानी से खेल लेगी। ये गुलाबों का खेल है, इतना आसान नहीं होगा। है खेल का सबसे मजेदार नियम, आंखों पे पट्टी बांध के तीन मौका मिलेगा ये मटका फोड़ने का। क्या घटिया खेल है ये? हाँ, जितनी तेजी से तेरी ये जबान चलती है ना, उतनी तेजी से अगर एक चाकू चल गया तो गर्दन तो गई तेरी। हम तैयार हैं इस खेल के लिए, हमें पूरा भरोसा है श्रद्धा पे। बाकी को छोड़ दो तुम गुलाबो। ये तो हम ठहरे जो तुम सब कोई छोटे मोटे दर्द में निपटाए दे रहे हैं, वरना हमारी जगह कोई और होता तो तुम सब की लाशें बिछा के बिटिया को ले जाता भगा के। उसका खेल खेलते रहेंगे, उसे लगे कि वो जीत रही है, फिर मौका मिलते ही भाई और मैं बच्चों को उठा के भाग जाएंगे। ठीक है, हम ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में हमारी भी एक शर्त है। बहुत बका बका करी हमारी मैडम जी के सामने, आज हम तुम्हारी को तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। अरे करने दे भुरैया, ये जितना ज्यादा झटपट आएगी ना, हमाओं को उतना ही ज्यादा मजा आएगा। बोल, कहाँ साजत है तुम्हारी? अगर हम तुम्हारे इस खेल में जीत गए तो तुम्हें इस घर के बड़ों को इन खेलों से दूर रखना होगा, उन्हें किसी भी खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। तुम उन्हें कोई तकलीफ नहीं दोगी। वाह, का बहु पाए हैं त्रिपाठी, दिल खुश हो गया, मान गए चलो। लेकिन अगर तुमने तीन डंडे निशाने पे नहीं लगाए तो तीन निशाने फिर हम लगाएंगे। फिर ऊ चाहे बुढ़े हो बच्चे हो, हमारी मर्जी। मंजूर है? मैं बच्चों को बीच में लेके मत आओ, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। ये हुई ना बात। आपका मुहूर्त निकलवाए तुम्हारे लिए, चलाओ डंडा या लाए बच्ची को। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।